साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस हर जगह खुद को मजबूत करने में लगी है। सिंगरौली में भी नए सिरे से ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अब 130 लोगों की यह कार्यकारिणी चुनाव में जीत के लिए काम करेगी। सिंगरौली ग्रामीण कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। अब 130 लोगों की जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए काम करेगी। यह बदलाव मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर हुआ है। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने बताया कि सिंगरौली में बदलाव करते हुए 44 उपाध्यक्ष, 41 महामंत्री सहित 42 सचिवों की नई कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें 14 महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर विजय हासिल करेगी। कांग्रेस कमेटी का हमारा अप्रूवल हुआ है प्रदेश से, उसकी घोषणा कर दी है। सभी पदाधिकारी जो बनाए गए हैं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी में, कुल 130 पदाधिकारी हैं, उसमें 44 उपाध्यक्ष हैं और 43 महामंत्री हैं, 41 सचिव बनाए गए। महामंत्रियों में से ही एक प्रवक्ता बने हैं नागेंद्र सिंह जी और मीडिया प्रभारी बने हैं प्रवीण सिंह, एक कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं ललित सिंह। इनमें हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था, जो रिजोल्यूशन वहाँ पास हुआ, जो भी संकल्प लिया गया था कि किस हिसाब से हमको महिलाओं को, हरिजन आदिवासी युवाओं को वो देना है, प्रतिनिधित्व देना है, कोशिश की गई है और लगभग उसी हिसाब से पूरे प्रतिनिधित्व के साथ 14 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें SC ST और OBC को बराबर महत्व दिया गया है, युवाओं को महत्व दिया गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक।